तो बेसिकली गाइस आज हमें ऑर्गेनिक मैन्योर की डंपिंग करनी है। जहाँ पे अपने लिए मूंग लगानी है अपन वहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर की डंपिंग करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो भी अपने चने हैं, मसूर हैं और सरसों हैं, उनको थ्रेसर में से डाल के एक बार फिर से निकालना है ताकि उनमें एक अच्छी तरीके से साफ सफाई आ जाए। तो सबसे पहले अपन दोनों ट्रैक्टर में ट्रॉली अटैच कर लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर में ट्रॉली तो अटैच है ही, उसमें और अटैच कर लेते हैं, और जैसे भी से अपन खाद भर के अपने खेत में डंप करके आए। चलो इसमें ट्रॉली अटैच करके लाते हैं सबसे पहले। चलो इसमें ट्रॉली अटैच करके लाते हैं, हो जाए चालू। तो अपन ने अब इसमें भी ट्रॉली अटैच कर ली है। चलो अब जेसीबी को बाहर लेके आते हैं। पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि अपन यहाँ पे जेसीबी लगा सकें। ले अभी तो आ रहे हैं की गल कहाँ कर देना, पीछे कर गए, इसको खाली करना पड़ेगा यार। पहले ट्राली को भर लिया, आप खाली कर रहे हैं बिकॉज इसका टायर में हवा कम है। और फिर ट्राली भरने के बाद ट्राली खाली करनी पड़ गई है बिकॉज उसके टायर में हवा काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो चलो पहले हवा भरवा के लाते हैं, उसके बाद ही कुछ काम कर पाएंगे अपन। तो सहजपुर चलते हैं, हवा भरवा के लाते हैं। ऑल सेट। तो इस टायर में कुछ हवा कम थी तो मैं गया था इसमें हवा डलवाने के लिए। तो मैंने जो वहाँ पे दुकानदार था उससे बोला कि 50 पॉइंट हवा डाल दो, वो बोले लगा नहीं भाई ट्रालियों में 70 पॉइंट डलती है, 100 पॉइंट डलती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है 70 पॉइंट डाल दो। तो जैसे उसने 70 पॉइंट हवा डाली तो ये टायर फट गया है। इसकी ग्रिप तो अच्छी थी, ठीक ठाक थी, ये देखो ग्रिप तो ठीक ठाक है, बट आई डोंट नो वाई ऐसा हुआ। चलो ठीक है, इस बहाने से कम अपने टायर तो चेंज हो जाएंगे। तो अपन ने दो पेयर ऑफ टायर्स ऑर्डर कर दिए हैं, तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ये दोनों टायर अपन चेंज करवा देंगे। ट्राली खाली कर दी है और उसको खोल भी दिया है। चलो उसको लोड कर करके लेके चलते हैं। ट्रॉली इज ऑल द वे लोडेड, चलो हूँ लेके चलते हैं। आप लोग यहीं बैठो। मैं तीसरी ट्राली लेने के लिए आया हूँ बिकॉज अब अरे एक ट्राली का अपना जो टायर है वो फट गया है। अभी मैं चला रहा हूँ फोर्ड। भाई इसको चलाना बहुत हार्ड है। अरे दादा रे इसको चलाना सबके बस की बात नहीं है बिकॉज मैं अभी तक जितने भी ट्रैक्टर चलाए हैं सारे के सारे पावर स्टीयरिंग ही थे। ए भाई सादी स्टीयरिंग चलाओ, हल्की पतरी बात नहीं मज्जा। ऑल सेट। तो अब अपन जा रहे हैं तीसरी ट्राली फंसाने के लिए बिकॉज ए वाली ट्राली है इसका जो टायर है वो ख़राब हो गया है। तो चलो इसमें दूसरी ट्राली फंसा के लाते हैं, और डीजल भी डल गया है। ऑल सेट। तीसरी वाली ट्रॉली अपन अटैच कर ली है, चलो अब शायद बन जाएगा अपना काम। ओहो ऑल सेट, एवरीथिंग इज फाइन। चलो अब ट्रॉली लोड कर लेते हैं। चलो अब मैं इसको भर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। ठीक है तो फिर हम चले। जो ट्रैक्टर लगाए तुम पहले रिश्तेदार।
अभी अपन दूसरी ट्राली लेके आ चुके हैं और डैडी तीसरी ट्राली लोड करके लेके आ रहे हैं और अपन यहाँ से जाएंगे और फिर अपन लोड करेंगे और अपन लेके आएंगे जितने में डैडी खाली करवाएंगे। और सर तीसरी ट्राली भी आ गई है और मैं चला चौथी ट्राली को भरने के लिए। फाड़ो था फाड़ो। और शायद खेत की कंडीशन चेकआउट करो तो अपन इसकी हार्वेस्ट करवाएंगे आज से लगभग 4 दिन बाद हार्वेस्टर से। अगर लेबर से कटवानी होती या फिर मशीन से कटवानी होती तो अभी तक की कट चुकी होती, बट अपन हार्वेस्टर से कटवाएंगे। 4 दिन और 5 दिन भी लग सकते। ऑल सेट, अभी मैं देखने के लिए आया हूँ रीपर बाइंडर, बिकॉज इसकी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पास रीपर तो है बट एक बाइंडर नहीं है, तो अपन सोच रहे हैं एक नया रीपर बाइंडर ले लेते हैं। हाँ।